आम आदमी पर सबसे ज्यादा बोझ खाने के तेल के कारण बढ़ा है। डेढ़ महीने पहले 110 रुपए में मिलने वाला सोयाबीन तेल का भाव बढ़कर 160 से 170 रुपए किलो पर पहुंच गया है। इसमें भी कालाबाजारी हो रही है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में सबसे ज्यादा उपयोग सोयाबीन तेल का ही किया जाता है। गर्मी के मौसम में पाम तेल की मिलावट भी बड़े स्तर पर होती है, क्योंकि गर्मी के कारण पाम तेल जमता नहीं है और ऐसे में मिलावट का पता कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं सूरजमुखी तेल के भाव भी आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण लोगों का आर्थिक रूप से बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।